जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और जगह से RTI का रिप्लाई आया है, 21 जगह से RTI का रिप्लाई है और किस पोस्ट के लिए है, क्या है, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म या एडमिट कार्ड या रिजल्ट के बारे में अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी नोटिफिकेशन सारी डिटेल्स मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है मुख्यालय उत्तर कमान हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड पिन 908545 CO 56 APO 2 जून 2023 को ये लेटर चला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जून 2023 को ये लेटर चला था, ये रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर पोस्ट भी लिखा हुआ है। अगर हम ऊपर में बात करें तो यहाँ पे RTI का नंबर भी लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2200 9 यहाँ पे देख सकते हैं 2200 9/RTI EDN/827 इसका नंबर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जिसने RTI लगाया था उसका नंबर यहाँ पे, उसका मतलब पूरा डिटेल्स जैसे कि घर कहाँ है, मोबाइल नंबर, ये सब पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम आगे बात करें तो आपको आगे हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री सोनू, यहाँ पे केस फाइल ये जो किए थे इसका केस फाइल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लीज़ रेफर योर RTI अप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे डेट 1 मई 2023 से लेकर 20 मई तो ये यहाँ तक फॉरवर्ड किया गया था। और यहाँ पे हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए इनका ये मतलब ये SC कैटेगरी से नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में कुक के लिए एग्ज़ाम दिए थे, इनको 116 नंबर आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुक कैटेगरी मतलब कुक पोस्ट था, कैटेगरी नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो पोस्ट था वो कुक था, यहाँ पे आप देखिए पोस्ट कुक था, नंबर 116 था, कैटेगरी SC था और यहाँ पे ये टेस्ट क्वालिफाई थे। फिर इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो इनको डाउट था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो फिर ये RTI ये बोले तो मैं इनका RTI लगाया था। तो ये कि यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो SC का 138 नंबर गया था और इनको नंबर था 116, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट सिलेक्टेड लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोल रहा है यू आर नॉट इन रिजर्व लिस्ट ऑफ कुक ट्रेड एज पर बोर्ड प्रोसीडिंग, मतलब ये मतलब रिजर्वेशन लिस्ट में जो SC कैटेगरी में थे ना तो इनका कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया है। आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि 150 नंबर में 138 नंबर अगर कुक का कट ऑफ जा रहा है तो सोचिए मात्र 12 नंबर ही, वो क्या है ना कि 150 में से मात्र 12 नंबर कम ही कट ऑफ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यालय उत्तर कमान का यहाँ पे मोहर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मुख्यालय उत्तरी कमान का यहाँ पे मोहर लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी का यहाँ पे मोहर भी लगा हुआ है। तो देखिए ये अगर आपको भी कहीं पे कोई डाउट है, जैसे कहीं का एडमिट कार्ड नहीं आया या कहीं का रिजल्ट का पता नहीं चला, तो आप ऑनलाइन RTI फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन RTI फाइल करने के लिए आपको ऑनलाइन RTI का वेबसाइट है, उसका मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके और RTI फाइल कर सकते हैं ताकि RTI भी आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सही पता चल सके कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया या मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया या मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपको कोई भी डाउट है तो आप RTI लगा सकते हैं, इसीलिए मैं RTI का बार बार वीडियो दिखाते रहता हूं कि आप अपने डाउट को क्लियर यानी कि सेटिस्फाइड हो सकते हैं। आपको जो जानकारी चाहिए तो आपको आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में कुक का SC के कैटेगरी का कटअप कितना गया था। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की।